और अब बात करते हैं कराची की हीट वेव के सिलसिले में, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी की शिदत बढ़ गई है। समंदरी हवाएं बंद होने के बावजूद हवा में नमी का तनासुब ज्यादा रहने का इम्कान है, जबकि अंदरूनी सिंध भी दर्जा हरारत में 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे का खदशा है। और हमें ये भी तिब्बी माहिरीन कह रहे हैं कि शहरियों को मशवरा दिया जाए कि 2-3 दिन के लिए अपने मामलात को जरा महदूद कर लें, यानी कि बिला वजह घर से बाहर निकलना कम करें। खासतौर पर जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो दोपहर के वक्त घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कोशिश करें कि खुले आसमान तले, यानी कि डायरेक्ट आप सनलाइट से डायरेक्ट आपका कांटेक्ट ना हो। और हमारे साथ मौजूद है मरियम हसन भी, उनसे ही बात करते हैं कि हीट वेव की क्या सूरत हाल है इस वक्त। जी मरियम, आगा कीजिए, क्या कहेंगी आप, क्या सूरत हाल है इस वक्त गर्मी की? देखिए, बिल्कुल 8 मई से बालाई सिंध और बालाई पंजाब जो है वो हीट वेव की लपेट में है, जबकि अब हवा का जो ज़्यादा दबाव है वो अब नीचे आना शुरू हो गया है, तो ज़ेरी सिंध भी अब हीट वेव की और गर्मी की शदीद लपेट में आना शुरू हो गया है। महकमा मौसमात के मुताबिक आज कराची में गर्मी की शिद्दत जो है तकरीबन 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जो कि गर्मी का जो सिलसिला है वो इतवार तक यानी कि 15 मई तक जारी रहने का इम्कान है। शहर में समुद्री हवाएं जो कि शहर के लिए ज़िंदगी की हैसियत रखती हैं वो जब मुअत्तल हो जाती हैं तो कराची में मुखालिफ सिम से गर्म रेगिस्तानी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जिसके सबब गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जाती है और हवा में नमी का तनासुब भी ज़्यादा होता है, तो फील लाइक भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस किया जाता है, तकरीबन 3 से 4 डिग्री ज़्यादा फील लाइक महसूस किया जाता है। यही वजह है कि इस दौरान माहिर सेहत जितने भी हैं वो तमाम यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाए और गैर ज़रूरी धूप में जो है वो ना निकला जाए, और अगर निकलना बहुत ज़रूरी है तो जो बुज़ुर्ग अफराद हैं वो अपने साथ गीला तौलिया जो है वो लाजमी रखें ताकि अपने सर पर उसको डाल सकें और गर्मी की जो शिद्दत है उससे बचा सकें। बहुत शुक्रिया मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ गर्मी से मुकाबला करने के लिए जौ का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, कैसे इस्तेमाल करना है वो वर्दा बताएंगे। सत्तू का इस्तेमाल कल भी रानी आपा हमारे साथ आई थी, उन्होंने बताया था कि सत्तू का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए, कैरी के शरबत का इस्तेमाल कीजिए या फिर आप इमली के शरबत का इस्तेमाल कीजिए, और खासतौर पर वो लोग जो बाइकों पर सफर करते हैं और हेलमेट पहनते हैं तो गीला टॉवल आप पहले अपने सर पे रखें फिर उसके ऊपर हेलमेट पहनें ताकि आप टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर रख सकें, और जब अगर लंबा सफ़र है आपका तो बार बार कहीं अगर आपको नलका मिलता है या टैप वाटर मिलता है तो उससे भी आप बार बार गीला करके अपने गर्दन के पीछे की तरफ या फिर सर के ऊपर रखें। बहुत एहतियात कीजिए क्योंकि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनके भी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है बहुत ज़्यादा गर्मी में जाने से, उनके भी तकलीफ का सामना होता है। और खुले सूरज में निकलने से भी एहतियात कीजिए, तलहा आप भी एहतियात कीजिएगा। बंद सूरज होता है क्या? बंद सूरज भी होता है, खुले आसमान जैसा कि अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ, तो खुले सूरज डायरेक्ट इंपैक्ट से एहतियात कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।